हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 14 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। और डेट है इस वर्कशीट की 30 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी मतलब समानता के बारे में। तो देखते हैं, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसमें क्या गया कि ये बहुत ही अपमानजनक है कि हम अपनी जो आत्म सम्मान को रिस्क पर कर अगर हम जीवित रहते हैं तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अशोभनीय होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वीटल फैक्टर इन लाइफ। जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो आत्म सम्मान होता है, वो हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट इट मैन इज ए साइफर। इसके बिना क्या जो मानव है उसकी कोई भी गणना नहीं है, वो क्या है, अगण्य है। ठीक है, टू लिव वर्थली विद सेल्फ रिस्पेक्ट वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टी। तो अगर हम आत्म सम्मान से जीना चाहते हैं तो हम इसके लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड सीजलेस स्ट्रगल अलोन डेट वन डिराइव स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। तो ये क्या कहा गया कि इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है कि हर एक इंसान को ताकत मिले, कॉन्फिडेंस मिले और पहचान मिल पाए। तो इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है ये करना, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रगल भरा काम है। मैन इज मोर्टल। जो मनुष्य है वो नश्वर है। Everyone has to die someday or the other. हर एक इंसान को किसी ना किसी दिन मरना जरूर है। But one must resolve to lay down one's life in reaching the noble ideas of self-respect. लेकिन क्या है, हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में आत्म सम्मान के लिए जीने का पूरा हक है और उसके लिए उसको प्रयास करना चाहिए। And in bettering one's human life, और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. तो किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि वो अगर बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के जीवन जिए। तो जीना उसके लिए सबसे बड़ी बहुत ही बड़ी डिसग्रेसफुल मतलब बहुत ही शर्म वाली बात होगी। तो ये बात किसने कही बच्चों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। इनकी फोटो बनाई हुई यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं सम प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वलिटी। हमारे संविधान में भी कुछ प्रोविजन दी गए जिससे कि हमारे समाज में इक्वलिटी बनी रहे। तो क्या ये प्रोविजन, फर्स्ट क्या है, एवरी पर्सन ही इज इक्वल बिफोर लॉ, कि हर एक इंसान कानून के सामने क्या बराबर है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन, रिलीजन, कास्ट, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, रेस, प्लेस और बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता बच्चों। एवरी रेस मतलब रंग रूप, ठीक है। एवरी पर्सन हैज़ द असेस्ट ऑफ पब्लिक प्लेस। हर एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने की अनुमति है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्लोइस्ड, और जो छुआछूत है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारे प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में दिए गए ताकि हमारे देश में समानता बनी रहे। द टू वे इन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब सरकार ने क्या दो तरीकों से हमारे देश में इक्वलिटी लाने की कोशिश की है। जो फर्स्ट है इज फर्स्ट थ्रो लॉ, पहला क्या कानून की हेल्प से, और सेकेंड थ्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम। और दूसरा क्या जो सरकार की प्रोग्राम्स है और स्कीम है उनकी हेल्प से सरकार ने समानता लाने की, संविधान ने समानता लाने की कोशिश की है। देर आर सेवरल लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सन राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे कानून हैं हमारे भारत में जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमारे जो इक्वलिटी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि हमारी जो इक्वलिटी है, हमारे जो संविधान है, समानता है, वो बनी रहे। इन एडिशन टू लॉ, और कानून के साथ साथ द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम। तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम लागू की हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल वो हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल ईयर। तो कानून के साथ साथ सरकार ने बहुत सारी स्कीम लागू की हैं ताकि जो लोग बहुत सालों से जिन्हें
मतलब इनइक्वलिटी असमानता का शिकार होना पड़ रहा था, अब वो समानता का सामना कर पाए। दिस स्कीम आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैड नॉट हैव दिस इन द पास्ट। तो ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिनको जो मतलब पहले ये समानता नहीं दी गई थी बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे हम देखते हैं मिड डे मील, सुना होगा आपने इसका नाम। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। तो इस स्कीम में क्या होता है कि ये सभी गवर्नमेंट में जो एलिमेंट्री स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल है, उनमें ये प्रोवाइड किया जाता है ताकि सभी बच्चों को भोजन मिल सके। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, और तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने इस स्कीम को लागू किया था। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल विद इन सिक्स मंथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी आदेश दिया 2001 में कि सभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सभी राज्य हैं, वो भी अपने राज्य में ये स्कीम 6 महीने के अंदर लागू कर दें। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। इस स्कीम के बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट है कि बहुत सारे बच्चों ने अब स्कूल में आना स्टार्ट कर दिया और वो अब रोज स्कूल अटेंड करने लग गए। टीचर रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। तो टीचर बताती हैं कि पहले क्या होता था, बच्चे लंच के लिए घर जाते थे एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, और फिर वो वापसी स्कूल आते ही नहीं थे। ठीक है, बट नाउ विद द मिड डे मील बी प्रोवाइडेड इन स्कूल। अब क्या हुआ है, जब से मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है स्कूल में, दे अटेंडेंस हैज़ बीन इम्प्रूव। अब उनकी जो अटेंडेंस है वो बढ़ गई है। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प रिड्यूस कॉस्ट कास्ट प्रिजुडिस, और इससे क्या हुआ, जो हमारे जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उसको भी कम करने में मदद मिली है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं इस वर्कशीट का। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। अब हम पढ़े कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जो है भेदभाव क्या है, कानून के विरुद्ध है। दे कॉन्टिन्यू टू ट्रीट पीपल इनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट रिलीजन रेस डिफरेंटली एबल इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। फिर भी क्या है, लोग एक दूसरे का भेदभाव करते हैं जाति धर्म रंग रूप और अपंगता के उस पर और अमीरी गरीबी के हिसाब से और लिंग के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। इट इज़ ओनली वैन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर एंड एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। तो इसमें क्या होता है कि ये चेंज जो समानता ही तभी आ सकती है जब हर एक इंसान ये सोचे कि हर एक व्यक्ति क्या है, वो इक्वल है, हर एक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, तभी ये जो एटीट्यूड है लोगों का ये चेंज हो पाएगा। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज ए कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटी हैज़ टू कोऑपरेट। ये जो समानता लाने का हमारा प्रयास ही बहुत ही स्ट्रगल भरा है, मतलब बहुत ही मेहनत का है, और इसके लिए बहुत सारे लोगों को और अलग अलग संस्थाओं को साथ में आना होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम अपने समाज में समानता ला पाएंगे बच्चों। तो इसके लिए आप भी कोशिश कीजिए और कभी भी एक दूसरे के साथ असमानता का व्यवहार मत कीजिए बच्चों। तो देखते हैं इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। हम मेंशन सम प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर इक्वलिटी। तो आपको इसमें प्रोविजन बताना है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को इंश्योर किया था। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट है तो क्या क्या प्रोविजन दिया हमारी सरकार ने। फर्स्ट इसमें ये आपको 4 पॉइंट इसमें लिखने हैं, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस वर्कशीट का। हाउ डज मिड डे मील हेल्प टू इंश्योर इक्वलिटी डिस्क्राइब। तो किस प्रकार जो मिड डे मील है उसने इक्वलिटी लाने की कोशिश की। तो इसका आंसर है द मिड डे मील सिस्टम प्रमोट इक्वलिटी बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस कास्ट प्रिजुडिस एज बोथ अपर एंड लोअर कास्ट स्टूडेंट हैज़ यूज टू ईट मील टुगेदर। तो इसने किस प्रकार रिड्यूस की, जो अपर एंड लोअर कास्ट जो के बच्चे होते हैं वो साथ में खाना खाते हैं, और हम इन फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन आर अपॉइंटेड टू कुक फूड। और हम देखते हैं कि कई जगह पर जो दलित वुमेन होती हैं वही अपॉइंट की गई हैं ताकि वो भोजन पका पाएँ। तो इस प्रकार क्या है, हमारी सरकार ने जो असमानता को दूर करने का प्रयास किया है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। सजेस्ट सम मेजर टू इंश्योर इक्वलिटी इन द सोसाइटी।
तो आपको सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के कुछ मेजर आपको बताने हैं। इसके आंसर है हमारे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, और ये आपका सेकंड का था। थर्ड है स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड सेक्सुअल हरासमेंट। आपको क्या है कि ना, जो चाइल्ड मैरिज होती है और सेक्सुअल हरासमेंट को स्टॉप करना है। नेक्स्ट है गिव प्रॉपर वैल्यू टू वुमेन वर्क, और जो महिलाएं हैं उसके काम की पूरी कीमत दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है स्टार्ट स्कीम फॉर पुअर पीपल, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए नई स्कीम स्टार्ट की जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर चैनल शुड बी एस्टेब्लिश सो डेट एवरी वन शुड गेट बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। तो ऐसा प्रॉपर चैनल मतलब पूरा अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि जो सरकार की जो स्कीम है, जो बेनिफिट है, वो सभी को मिल पाए। क्योंकि सरकार क्या बहुत सारा प्रयास करती है कि इक्वलिटी आए, लेकिन क्या वो नहीं ला पाती, क्योंकि जो स्कीम है वो प्रॉपर चैनल से नहीं आ पाती। तो सरकार को ये करना चाहिए, क्या प्रॉपर चैनल इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इस वर्कशीट के लिए लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। और जल्दी से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर और अपनी दिवाली अच्छे से बनाना बच्चों। तो हैप्पी दिवाली बच्चों, अच्छे से अपनी दिवाली मनाना। हैप्पी दिवाली।